साथी जय भीम नवोदय। आज हम बसपा के पूर्व विधायक श्री जाकिर अली जी के निवास पर, जो उनका पूर्व में कार्यालय हुआ करता था, और आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नान रोटी बना रहे हैं ये लोग, चार पांच लोग हैं, और ये खाने का बहुत सारा आइटम है। आलू की सब्ज़ी है, छोले की सब्ज़ी है, और ये बड़े बड़े डेग आप देख रहे हैं, इनमें सब में सब्ज़ियाँ बन रही हैं। और मैं आपको अंदर ले जा कर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं जाकिर अली जी का निवास है, यहाँ पे ये लोग खाना पैक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये लगभग 8-10 लोग हैं, और 40 दिन से लगातार ये 4 से 5 हज़ार लोगों का खाना ये रोज़ सुबह और शाम वितरण कर रहे हैं लोनी क्षेत्र में। इसी तरह से निस्वार्थ भाव से ये लोग गरीबों को खाना पहुंचाने का काम कर रही है। और अभी थोड़ी देर बाद हम विधायक साहब से बात करेंगे। मैं दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, लगभग एक पन्नी में कितनी रोटियाँ हैं? एक पन्नी में दो रोटियाँ सर। हाँ, एक पन्नी में लगभग रोटियाँ और सब्जी, एक आदमी का खाना एक पन्नी में पैक करके ये लगभग 4 हज़ार लोगों को खाना रोज सुबह शाम वितरण कर रहे हैं। हमारे सामने हैं बसपा के पूर्व विधायक जाकिर अली जी, जो लगभग 4 से 5 हज़ार लोगों को रोज़ खाना वितरण कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विधायक जी नमस्कार। विधायक जी, ये जो खाना है, आप कौन कौन से क्षेत्र में आप ये वितरण करने का कार्य कर रहे हैं? ये लगभग लोनी की ज़्यादातर कॉलोनी है, वहाँ से कुछ जिम्मेदार आते हैं, खाना लेके जाते हैं। लगभग सारी कॉलोनी, पूरी लोनी तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरी लोनी तो बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं। 3500 से 4000 पैकेट डेली बन रहा है। अच्छा, कितने दिन से विधायक साहब ये कितने दिन से आप ये खाने का वितरण कर रहे हैं? उधर लॉकडाउन के 3-4 दिन के बाद शुरू कर दिया है। तो लगातार कितने दिनों तक चलेगा ये? अभी देखो, जब तक लॉकडाउन रहेगा, कोशिश तो यही है जल्दी जल्दी चले। आज तो आपको किस तरह से प्रेरणा मिली कि आप ये गरीबों के लिए खाना वितरण करें? आपको इसकी हमने गरीबी देखी, लोग दरअसल लोनी क्षेत्र में है, यहाँ गरीब बहुत है। लॉकडाउन में लोग बाग के कारोबार बंद, दुकान बंद, हर चीज बंद थी, तो हमने देखा लोग भूखे ना रहे, कुछ ऐसा ना रहे, इस वजह से हमने। ये थे हमारे साथ लोनी के पूर्व विधायक जाकिर अली जी, जो लगभग 4000 लोगों का खाना रोज वितरण कर रहे हैं। और ये लॉकडाउन के लगभग 3-4 दिन बाद से ही विधायक साहब ने खाने का वितरण अपने क्षेत्र में, लोनी क्षेत्र में इन्होंने शुरू कर दिया था। आप जैसा कि बाहर देख ही रहे हैं, बहुत सारा खाना लगभग पैक कर रहे हैं। और विधायक साहब का कहना कि जब तक इनके पास सामर्थ्य है, जब तक लोगों को ये ज़रूरत का सामान मुहैया करवाते रहेंगे। और साथ ही इनसे भी बात करना चाहेंगे हम। सर नमस्कार। सर आपका नाम क्या है? नजाकत जी, आप विधायक साहब से कितने दिन से जुड़े हुए? 15 साल से। परिवार के, हमारे वाले। चलो, विधायक साहब जो खाना गरीब में बंटवा रहे हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये अच्छा है, लोगों का जो मदद रही है, लोग जिससे कि भूख से ना मरे, इसलिए लोगों का जो काम आ रहा है, अच्छा काम है। चलो ठीक है सर। न्यूज ऑफ इंडिया देख रहे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं न्यूज ऑफ इंडिया से सत्य प्रकाश। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन के बटन को दबाने से आपको हमारे चैनल की नई नई अपडेट आपको तुरंत मिलती रहेगी, और सारी खबरें सबसे पहले आप देख सकते हैं। इसलिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। और हाँ, जो दर्शक हमारे चैनल को YouTube पर सर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं, वे न्यूज ऑफ इंडिया लाइव एक साथ लिखने के बाद उसको सर्च करें, और जैसे ही आप सर्च करेंगे, हमारे चैनल की वेबसाइट आपके सामने खुल कर आ जाएगी। आप उसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नवोदय जय भीम।